अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स, और कॉन्सेप्चुअली दोनों लिहाज से इक्वेशंस ऑफ मोशन इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि फिज़िक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले स्टडी करेंगे और देन हम सेकंड एंड थर्ड को भी नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें वी यूज़ स्पीड टाइम ग्राफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द बॉडी। जो लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी किए थे उन्हीं को ही यहाँ दोबारा डिस्कस करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन की बात करें या सेकेंड की बात करें या थर्ड की बात करें, तीनों की तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो कुछ क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती हैं। उनमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं? दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। इन पांचों क्वांटिटीज़ को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के ज़रिए रिलेट करते हैं और इन्हीं के ज़रिए ही बॉडी की मोशन को हम स्टडी करते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते वक्त या बॉडी की मोशन को स्टडी करते वक्त हमने कुछ अजम्पशंस लेनी है। वो अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशन ये है कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हम अज्यूम ये कर लेंगे कि जिस बॉडी की मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी सीधे रास्ते पर चल रही हो, बगैर किसी टर्न के अगर वो सीधे रास्ते पर चल रही है, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, और अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी बॉडी की बराबर होगी। तो ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज़ हम क्या अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही मूव कर रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। सो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ देखें तो तीनों इक्वेशंस में सेम यही ग्राफ यूज़ होगा। तो अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन में भी और थर्ड इक्वेशन में भी इसी ग्राफ को ही यूज़ करते हुए हमने डेरिवेशन करनी है। तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसमें हमारी जो लाइन होती थी वो इधर ओ से, यानी कि ओरिजिन से शुरू हो रही होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओ से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर तो बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है देन उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन अगर हम किसी ऐसी बॉडी को स्टडी करें जो कि पहले से ही मूव कर रही थी और उसकी पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो उस केस में फिर क्या होगा कि हमारा जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है इस बॉडी की पहले ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। अब वो 4 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड हो, 20 मीटर पर सेकंड हो, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम यही अज्यूम करेंगे कि बॉडी की पहले से ही कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यही दो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे कि बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो बॉडी की पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होता जा रहा है, और टी टाइम गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है वी एफ। फर्ज कर रहे पहले 5 थी, 4 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी 15 हो गई। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ पहले ही थी और कुछ टाइम टी गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है वी एफ हो गई है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है ये हमारे स्पीड टाइम ग्राफ की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस हैं ये सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए लगाई हैं, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है। जो हमारी मेन ग्राफ की लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाली है जो कि ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बताती है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉडी। जितनी इस ए बी लाइन की स्लोप होगी उतनी ही बॉडी की एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए, यानी कि लाइन ए बी की स्लोप जो है वो बराबर है एक्सेलरेशन के। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हमने ये तो कह दिया कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, लेकिन स्लोप की वैल्यू कितनी है?
वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ए से और ख़त्म हो रहा है बी पर। जो लाइन है वो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम ए बी और सी पॉइंट को देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल हासिल हो रही है जो कि बॉडी की मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इतने इतने हिस्से में ही बॉडी की मोशन आई है। ठीक है, सो फॉर ट्राइंगल ए बी सी द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। जब कभी भी हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसकी हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो हमेशा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, जब लाइन हमारे पास स्ट्रेट हो तो हमने स्लोप किस तरह से फाइंड करनी है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा वाई है कि जो लाइन है उसने वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो पॉइंट ए से स्टार्ट हुई थी और पॉइंट बी पे एंड हुई है। तो अगर हम इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखते हैं तो वो बराबर आएगा डेल्टा वाई के। और अगर हम इसी लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं कि इसने इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो बराबर आएगा डेल्टा एक्स के। ठीक है ना, तो अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए, स्लोप ऑफ लाइन की जगह हमने अब लिख दिया है ए, और डेल्टा वाई की जगह बी सी और डेल्टा एक्स की जगह ए सी। डेल्टा वाई की जगह बी सी क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देखो जो इस रेड लाइन ने कवर किया है तो वो कितना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो तो वो बराबर है ए से सी पॉइंट तक। ठीक है, तो डेल्टा वाई की जगह हमने लगा दिया बी सी और डेल्टा एक्स की जगह लगा दिया ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ना ही बी सी की वैल्यू पता है और ना ही ए सी की वैल्यू पता है। हमें नहीं पता कि बी सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पे बी सी वाली जो लाइन है वो बराबर है बी डी माइनस सी डी के। कैसे? अगर हम ग्राफ में देखें तो पॉइंट बी से लेकर पॉइंट डी तक हमारे पास टोटल हाइट बन रही है। ठीक है, और टोटल हाइट में से अगर हम इतनी सी डी को माइनस कर देते हैं तो बाकी हमारे पास ये वाला हिस्सा रह जाएगा जो कि बी सी के बराबर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी सी इज़ इक्वल टू टोटल हाइट बी डी माइनस सी डी। ठीक है बच्चों, और सेकेंड लाइन है ए सी। तो ए सी को अगर हम देखें तो वो एग्जैक्ट सेम है ओ डी के। ए सी लाइन और ओ डी लाइन दोनों बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू ओ डी। तो बी सी की जगह हम फिर क्या लिख देंगे, बी डी माइनस सी डी, और ए सी की जगह क्या आ जाएगा, ओ डी। तो हमारा यही वाला जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का वो बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी की जगह अब हमने ओ डी पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, अब इन तीन लेंस को अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें इनकी वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। जो टोटल हाइट बी डी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ रही है, और जो सी डी हाइट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वी आई है, और ओ डी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है टाइम टी को। तो अगर हम ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये वही फार्मूला बन गया जो हमने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और इसी को ग्राफ की मदद से हमने आज वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा टी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया ए टी और वी एफ माइनस वी आई एज इट इज़, जैसे था वैसे ही है। बस हमने क्या किया, टी को यहाँ पे डिवाइड करने के बजाय इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ हम वी आई के साथ सिंबल देखें तो वो नेगेटिव का आ रहा है इक्वेशन की इस साइड पे। अगर हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करते हैं तो ये सिंबल फ्रॉम नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजिटिव, तो वो बन जाएगा फिर वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी कि ये वी आई जब इधर चला जाएगा तो वी एफ अकेला रह जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा वी आई प्लस ए टी के। और बच्चों यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने स्लोप के ज़रिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करनी है एग्जाम में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किस तरह से हम ग्राफ के ज़रिए किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।
इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।